हेलो दोस्तों, आप भी गूगल अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं? दोस्तों जीमेल अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली? दोस्तों गूगल अकाउंट डिलीट करना सीखे, सिर्फ 2 या 3 मिनट में आप अपना टाइम निकाल के गूगल अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम सुरेश पटेल है और इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको भी अच्छे से पता चल जाएगी आप भी अपना गूगल अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मेरी स्क्रीन पर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हेलो दोस्तों, तो हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं। दोस्तों आप क्या करें, सबसे पहले आपके जो ब्राउज़र है वो ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मेरे यहाँ पर मैंने फायरफॉक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, आप भी शायद दोस्तों यही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें क्या करिए, गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके आप जो अपना यहाँ पे जैसे ऐसे ही आपके सामने मेनू दिखेगा। दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 3 डॉट्स है वहाँ पे क्लिक करके उसे डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट करना है। ये देखो दोस्तों, रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो देखो दोस्तों अभी ऐसा कुछ आने लगा है। अभी यहाँ पे देखो साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, पहले भी साइन इन का ऑप्शन आ रहा था पर अभी कुछ अच्छा सा ऑप्शन आ रहा है तो हम यहाँ पर साइन इन कर देंगे। आपकी जो ईमेल आईडी आपको डिलीट करनी है वो आप साइन इन कर लीजिए। देखो दोस्तों मेरी यहाँ पर सुरेश केवड़िया करके, उसे मैं मुझे डिलीट करनी है परमानेंटली, तो मैं उसी को ओपन कर लूँगा। मैं पासवर्ड डाल दूँगा दोस्तों, मैं पासवर्ड यहाँ पे हाइड कर दूँगा ताकि आपको दिखे नहीं। तो उसे मैंने ओपन कर लिया है। देखो दोस्तों अभी क्या होगा, आपकी जो आईडीज़ है वो ओपन हो चुकी है, आपका जो जीमेल अकाउंट है ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो एस जो मेरा यहाँ पर एस करके आया है सुरेश केवड़िया करके, तो मैं यहाँ उसे क्लिक करूँगा और ये जो गूगल अकाउंट है उस पर चला जाऊँगा। मैं गूगल अकाउंट में मैं गया, टच कर दो आप वहाँ पर दोस्तों को, आपको ऐसा कुछ फॉर्मेट मिलेगा। दोस्तों अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये 2 नंबर लिखा है ना उसके बाजू में 3 डॉट्स ऊपर, तो यहाँ पे करके हम रिक्वेस्ट डेस्कटॉप पर कर देंगे। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है फायरफॉक्स, उसमें हर बार डेस्कटॉप रिक्वेस्ट के लिए हमें उसे पर्सनली जाकर टच करके करना पड़ेगा, तभी जाके हमें जो एक पीसी के साइड का जो फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको यहाँ पर जाना है मैनेज योर डेटा एंड पर्सनलाइज। ये देखो दोस्तों ये जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको जाके टच करना है ताकि आप अपना जो अकाउंट है जीमेल अकाउंट वो परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो आ गया है उसमें आप नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा कि डाउनलोड डेटा, मतलब आपकी ये जीमेल आईडी पे जितने भी डेटा है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, आपने जो मेल भेजे वो डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप जो पहले से डाली हो आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने कुछ डाला नहीं है, आपको डिलीट करना है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये डिलीट सर्विस इन योर अकाउंट दिख रहा है। दोस्तों आप जैसे ही डेटा एंड पर्सनलाइज में आओगे तो आपको डिलीट एंड सर्विस योर अकाउंट, मतलब आपको यहाँ पर आके टच कर देना है। दोस्तों आप इसे सिलेक्ट कर दोगे और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो डिलीट अकाउंट है, डिलीट सर्विस है, डिलीट योर अकाउंट है, आपको वहाँ पे टच कर देना। दोस्तों ये रहा डिलीट अकाउंट, तो आप हमें परमानेंट पूरा डिलीट अकाउंट करना है तो हम हमारा जीमेल अकाउंट है डिलीट कर देंगे। और देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे जो आपने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड फिर से आपको डालना पड़ेगा कन्फर्मेशन के लिए। मैं यहाँ पर हाइड कर दूँगा ताकि आपको पता ना चले, आप भी अपना पासवर्ड डाल दीजिए दोस्तों और फिर नेक्स्ट कर दीजिए। दोस्तों ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो डिटेल को जो रिकमेंड आती है कि आप क्या अपना जो जीमेल आईडी से जो जीमेल्स के मेल से वो आप डिले मतलब परमानेंट डिलीट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, अगर वो आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको ऑप्शन एक बार फिर मिलेगा जब तक आपने डिलीट का ऑप्शन कम्प्लीट नहीं दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लास्ट में 2 ऑप्शन और भी दिए कि आप वो पॉइंट कलेक्ट करके आप वापस ईमेल आईडी में वापस जा सकते हो और आपको डिलीट करना है तो आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। हम यहाँ पे डिलीट ही कर देंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम परमानेंटली डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और डिलीट अकाउंट में क्लिक कर देंगे। दोस्तों देखिए पे एक और मैसेज आया कि यार आपका अकाउंट अभी डिलीट हुआ है, अभी आप फिर से भी ओपन करना चाहते हो तो कुछ टाइम के लिए आपका जो यहाँ से अकाउंट ओपन हो सकता है, पर आपका 24 घंटे या फिर एक दिन के बाद आप फिर से ओपन करना चाहोगे तो उसके बाद वो आपका डिलीट अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे फिर से अपना अकाउंट चाहिए तो आप 1 घंटे या 1 दिन के अंदर आप वापस कलेक्ट कर सकते हो और रिकवर कर सकते हो। उसके बाद आपने अगर 1 दिन या 2 दिन मिस कर दिया उसके बाद आपका वो अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मेरा अच्छे से अच्छी जो नई पोस्ट है आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ऐसी वीडियो देखती रहिए। चलो दोस्तों थैंक यू।